अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। वन मोर कॉमन क्वेश्चन दैट आई रिसीव्ड ऑन माय वीडियोस वाज के सी बेरियल क्या होता है, समंदर में किसी को अगर दफन करना हो तो उसको कैसे दफन किया जाता है, एंड वेदर इट इज़ अ रियल थिंग और नॉट, हकीकत में ऐसा होता भी है कि नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि सी बेरियल इज़ अ रियल थिंग, समंदर में दफन करना एक हकीकत है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज डन। लेकिन एज यू गाइज वॉन्ट टू नो वट एग्जैक्टली इट इज़, सो आज की वीडियो इसी मौजू के बारे में होगी। सो लेट्स स्टार्ट। डेथ ऑन बोर्ड इज अ नेचुरल फिनोमेना। इंसान जहां पर रहते हैं वहां इंसान के साथ जहां पर जिंदगी है वहां पर मौत भी है। एंड इट इज नो सरप्राइज दैट समटाइम्स वी आर इन द मिडल ऑफ द सी, हम समंदर के दरमियान में होते हैं, and we might have somebody who is dead. I'm not saying that it is usual, but it happens. And if you ask me, kyunki mujhe pata hai ki aapne comments mein mujhe puchna zarur hai, to I am just going to tell you in advance, yes, I have experiences of people dying on board. People dying on board is a real tragedy. Dekhen zindagi aur maut to har ek ke saath hai aur har ek ko maut aani bhi hai, there is no denying it. Jo insaan is duniya mein aaya hai usne is duniya se jana bhi hai, it is a fact. लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि यार एक इंसान की वफ़ात उस वक्त हो जाती है जब अपने घर वालों के पास नहीं होता, अपने प्यारों के पास नहीं होता, जब उसके प्यारे और अजीज़ उसको देख नहीं सकते, जब वो आखिरी लम्हात में अपने घर वालों से बात नहीं कर सकता, उनको कोई चीज़ कन्वे नहीं कर सकता, तो इट रियली फील्स वेरी सैड। अगर खुदा ना खास्ता किसी के जहाज़ पर मौत वाकया हो जाए तो इट इज़ नॉट जस्ट अ ट्रेजेडी फॉर देयर फैमिली, इट इज़ एन इक्वली बिग ट्रेजेडी फॉर अस एज़ वेल। क्योंकि जो इंसान इस दुनिया से चला गया, जिसकी वफ़ात हो गई, उसका ख्याल रखना उससे भी मुश्किल काम होता है। इट इज़ नॉट रियली ईजी इफ़ यू आस्क मी टू टेक केयर ऑफ़ द डेड पीपल, बट समटाइम्स वी हैव टू डू इट। हमें कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पर यह करना ज़रूर पड़ता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सी बेरियल की बात की और मैंने आपको ये बताया कि सी बेरियल इज़ अ फैक्ट, बट सी बेरियल हमारी कभी भी पहली ऑप्शन नहीं होती। हमारी पहली ऑप्शन ये नहीं होती कि हम उस इंसान को समंदर में दफना दें। हमारी पहली ऑप्शन ये होती है कि हम जो मर्ज़ी करके, जिस मर्ज़ी तरीके से उस इंसान को उसके घर पहुँचाने की कोशिश करें। इस वक्त मैं अपने जहाज़ के अपर डेक के एलीवे में खड़ा हूँ, एंड देर इज़ अ पर्पज़ ऑफ कमिंग हेयर। यहाँ पे मेरे पीछे जो आपको ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है, दिस इज़ द डोर ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के साथ इस तरफ हमारा मेडिकल लॉकर मौजूद है, और यूजुअली किसी भी इंसान की जब डेथ होती है तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉप वेयर ही कम्स। दिस इज़ आवर शिप्स हॉस्पिटल, हमारा जहाज़ का ये अस्पताल है। जहाज़ के अस्पताल स्पेशली अगर हम कार्गो शिप्स की बात करें तो दे आर नॉट वेरी बिग, दे आर नाइदर ह्यूज, यूजुअली दे आर वन बेडेड और टू बेडेड हॉस्पिटल्स। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट दिस इज़ अ फुल फ्लेश्ड हॉस्पिटल, बिकॉज इट्स नॉट। वी डू नॉट हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ facilities that are available in a hospital, but we do have quite a few. हमारे पास हम लोग medical first aid दे सकते हैं, हमारे पास life saving drugs होती हैं which are also called as LSDs. हम LSDs administer करते हैं and we try our every best possible way कि जिस तरीके से हम उस इंसान की जान बचा सकें। We have then doctors ashore, हम उनको call करते हैं, उनसे advice लेते हैं, patient की हम लगातार status update देते रहते हैं, हम बताते रहते हैं कि हमारा patient इस वक्त किस condition में है। But despite all the things, कभी न कभी ऐसा होता ज़रूर है कि आपके जहाज़ पर डेथ हो जाती है। पहली जगह होने के साथ साथ अगर किसी की डेथ हो जाए तो ये उसकी आखिरी जगह भी होती है। अगर किसी इंसान की डेथ हो जाए तो फिर हम उसको मजीद हॉस्पिटल में नहीं रख सकते, बिकॉज डिकम्पोजिशन स्टार्ट्स, द अदर थिंग्स स्टार्ट्स दैट आर आफ्टर डेथ। उसके बाद फिर हम बॉडी को यहाँ नहीं छोड़ते, हम उस इंसान को यहाँ नहीं छोड़ते, देन वी टेक द बॉडी टू द पूप टैक। After God forbid the unfortunate death of a person,
उस इंसान को यहाँ लाया जाता है इस जगह पे. दिस इज कॉल्ड एज द पूप डेक ऑफ अ शिप. वी हैव द एयर अवेलेबल ओवर हेयर, वी हैव द वाटर अवेलेबल हेयर, हमारे पास यहाँ पे सारे कनेक्शंस मौजूद हैं. आमतौर पर यूजुअली ये वो जगह होती है जहाँ पर फिर बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है दफनाने के लिए या स्टोर करने के लिए, क्योंकि अगर हम समंदर के बिल्कुल बीच में हैं तो ऑब्वियसली हम उसको उसके घर नहीं भेज सकते अनटिल अनलेस वी कॉल सम पोर्ट. जब तक हम किसी पोर्ट पर नहीं जाते हम लोग उसको उसके घर नहीं भेज सकते. तो फिर हमें उसको तैयार करके या तो अपने कोल्ड स्टोरेज में रखना होता है और या फिर हमें तैयार करके और बॉडी को पोर्ट के ऊपर डिलीवर करना होता है. इन केस ऑफ अ सी बेरियल ऑल्सो, अगर हमने किसी इंसान को समंदर में दफनाना हो तब भी यही वो जगह है जहाँ पर पहले बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है. देर आर डिफरेंट स्टेप्स टू इट एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू ऑल ऑफ देम बिकॉज दे आर रियली इररेलेवेंट. बट एनी वे आई वॉन्टेड टू शो यू दिस एरिया बिकॉज दिस इज प्रॉबली गोइंग टू बी द बॉडीज सेकेंड और थर्ड लास्ट स्टॉप. इस वक्त मैं अपने प्रोविजन स्टोर के अंदर खड़ा हूँ. आपको यहाँ पे ये जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है दिस इज़ द लॉबी डोर ऑफ आर फ्रीजर्स. यहाँ पे हमारे रेफ्रिजरेटर्स भी हैं फ्रीजर्स भी हैं. अंडर यूजुअल सर्कमस्टांसिस आमतौर पर यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ फूड रखा होता है, खाने पीने का सामान. लेकिन इन केस ऑफ एनी डेथ, खुदा ना खास्ता अगर जहाज़ पर कोई डेथ हो जाए तो हम उस डेड बॉडी को भी इसी स्टोर के अंदर रखते हैं, इसी लॉबी के अंदर रखते हैं. राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन साइड द लॉबी. ठंड भी है वैसे काफ़ी. ऑन दिस साइड आई हैव द वेजिटेबल रूम, यहाँ पे हमारा फिश रूम है और यहाँ पे हमारा मीट रूम है. इफ आई ओपन दिस यू कैन सी के कैसी ज़बरदस्त किस्म की भाप बाहर आ रही है बिकॉज दिस इज बेसिकली द फ्रॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर. ये जो आपको मेरे सामने जगह नज़र आ रही है लॉबी के अंदर, दिस प्लेस, यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड वी डोंट वॉन्ट दैट, बट इन केस अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसको हम यहाँ पे रखते हैं. यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें एक थोड़ी सी जगह बनानी पड़ती है जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जा सके. एंड आफ्टर क्लेंजिंग एंड ऑल दैट स्टफ व्हेन द बॉडी इज रेडी वी कीप द बॉडी हेयर अंटिल द टाइम वी आर एबल कि हम उस बॉडी को उसके लवाहिकीन तक उसके घर पहुँचा सकें. इन एक्सट्रीम केसेस एंड आई मस्ट रिपीट इट, इन वेरी वेरी एक्सट्रीम केसेस हमें बॉडी को सी बेरियल देना पड़ता है, यानी कि हमें इंसान के जिस्म को समंदर में दफन करना पड़ता है. अब आप ये पूछ सकते हैं कि जाहिद व्हाट आर दोज एक्सट्रीम कंडीशंस, वो एक्सट्रीम कंडीशंस क्या हैं कि जिसमें आपको एक बॉडी को सी में दफन करना पड़ता है. नंबर वन कैन बी के खुदा ना खास्ता कोई नेक्स्ट ऑफ किन ना हो. नंबर टू देर कैन बी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस के खुदा ना खास्ता हम लोग सी में इतनी ज़्यादा देर तक मौजूद हैं विच इज़ बाय द वे बाय ऑल मीन्स पॉसिबल कि हम अगली पोर्ट तक ना पहुंच सके और बॉडी डिकम्पोजिशन का शिकार होना शुरू हो जाए. एंड देन इन वेरी वेरी रेयरली एक्सट्रीम केसेस, खुदा ना खास्ता अगर इंसान के मुल्क में खाना जंगी लगी हुई है, फ़्लाइट्स नहीं जा रही नहीं आ रही, जैसे अभी COVID-19 की सिचुएशन थी, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सट्रीम केस, तो हमें फिर बॉडी को डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए उसको सी में दफन करना पड़ता है. इसका अपना एक प्रोसीजर होता है. उस प्रोसीजर में सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हो, अगर नेक्स्ट ऑफ किन नहीं है तो उस अथॉरिटी से हम कंसल्ट करके और ये पूछ सकते हैं कि भाई हम इस बॉडी को सी में बेरियल देने लगे हैं बिकॉज वी आर फेसिंग दीज सर्कमस्टांसिस. इन केस अगर उसका नेक्स्ट ऑफ किन मौजूद है तो हम नेक्स्ट ऑफ किन को कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि भाई इस बॉडी को हमने सी बेरियल देना है और हम इसको सी बेरियल देने लगे हैं. देन ऑब्वियसली वी आस्क देम ऑल्सो कि आप कौन कौन से रिचुअल्स परफॉर्म करना चाहेंगे इंसान को समंदर में दफन करने से पहले. एंड वंस ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर सेटल डाउन तो उसके बाद ये जहाज़ की रेलिंग है. मैं आपको एक साइड की रेलिंग दिखा रहा हूँ, आपके पास दूसरी साइड पर यानी कि पोर्ट साइड पर रेलिंग भी मौजूद है, आपके पास पीछे भी मौजूद है. तो डिपेंडिंग अपॉन द वेदर अ कैप्टन हैज़ टू सेलेक्ट कि कहाँ से सी बेरियल दिया जाएगा. वंस दैट इज डिसाइडेड तो इस रेलिंग के लेवल के ऊपर हम एक प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट करते हैं. ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसका एक एंड रेलिंग के ऊपर पिवट करे, दूसरा एंड जो कि इस सिरे पे हो वहाँ से उसको ऊपर लिफ्ट किया जा सके. वंस दैट प्लेटफॉर्म इज़ कंस्ट्रक्टेड द बॉडी इज़ ब्रॉट ओवर हेयर. इंसान को उस तख्ते के ऊपर लिटाया जाता है, जो रिचुअल्स हमने देने हैं वो दिए जाते हैं, उसकी पूरी बॉडी को हमने सफ़ेद कपड़े में रैपअप किया होता है और वट एवर दैट इज़ अवेलेबल. एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उस इंसान के उस बॉडी बैग के बिल्कुल बॉटम पे हम लोग भारी चीज़ें बांध देते हैं और वो चीज़ें इतनी भारी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि कुछ अरसे के बाद खुदा ना खास्ता वो इंसान का जिस्म पानी में गिरे और कुछ अरसे बाद वो फ्लोट करना शुरू कर दे. ये बेहुरमती होती है लाश की, हम ये नहीं करना चाहते.
इसके अलावा वो जो बॉडी बैग है उसके अंदर हवा के लिए छोटे छोटे होल्स काटे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हवा का क्या काम है वहाँ पे, क्योंकि इंसान की बॉडी जब डीकम्पोज होती है ना तो इट एमिट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ गैसेस। अगर वो गैसेस नहीं निकलेंगी उस बैग के अंदर से तो वो बैग फट जाएगा। फटने के बाद वो इंसान पानी के ऊपर फिर दोबारा फ्लोट करना शुरू कर देगा। वी डोंट वॉन्ट दैट। तो छोटे छोटे होल्स काटे जाते हैं कि जब डीकम्पोजिशन हो तो उसके बाद सारी की सारी गैसेज वहाँ से खारिज होती रहें। वंस ऑल द रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड वी मेक श्योर के तख्ते के ऊपर जहाँ पे बॉडी लेटी हुई है उसके नीचे स्लाइडिंग प्लेटफॉर्म हो। पहिए लगा देते हैं हम लोग, यूजुअली लकड़ी का तख्ता बना के पहिए लगा देते हैं चारों साइड पे। एंड देन वंस एवरीथिंग इज़ रेडी तो बॉडी के इस एंड को जो कि जहाज़ के ऊपर है लिफ्ट किया जाता है फीट डाउन ताकि इंसान स्लाइड करे और समंदर में चला जाए। एंड दैट इज़ द लास्ट टाइम दैट बॉडी इज सीन ऑन बोर्ड। Most importantly for the next of kin, for authorities or for everybody who is interested, हम इस पूरे के पूरे प्रोसीजर की फ़ोटोज़ लेते हैं एंड एट द सेम टाइम हम वो पोजिशन नोट करते हैं कि जिस पोजिशन में हमने सी बेरियल किया है। ताकि अगर उस बॉडी के लवाहिकीन बाद में आके कोई रिचुअल्स करना चाहें तो उनको एग्जैक्टली पता हो कि उनके अजीज को हमने समंदर में किस जगह पर दफन किया था। I'm not going to say that ke today's video was exciting because it was really not. Aaj ki video exciting to nahi thi but it was informative. Aur mujhe yakeen hai ki aaj aapko hamari zindagi ka ek aur aspect pata laga hoga. Aaj aapko ye bhi pata laga hoga ki jahaz pe deaths hoti bhi hain aur jab jahaz pe deaths hoti hain to hum unko deal kis tarike se karte hain. It was a very different topic indeed but death is a reality of life. Hum isse bach nahi sakte, hum isko escape nahi kar sakte. So I'm happy ki aaj main aapko ek aur cheez ke bare mein bata paya hu and I'm really happy कि आपको आज मज़ीद इंफॉर्मेशन मिली हो और आज आपको हमारी ज़िंदगी के बारे में कुछ और मालूमात ही मिली हो। सो इफ़ यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो एंड यू हैव इन्जॉयड ऑल दी इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपको फ़राहम की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। This is Orange Shorts. I am Zahid Nisar. Stay happy, stay safe. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.